सबसे पहले तो विश्व मूल निवासी दिवस आदिवासी लोगों के द्वारा धूमधाम से मनाया गया, इसके लिए सभी आदिवासियों को विश्व मूल निवासी दिवस के लिए मैं शुभकामना देता हूँ। उसी दिवस पर दिल्ली के जंतर मंतर रोड पर ब्राह्मणों के द्वारा संविधान को जलाया गया और जलाने वाले लोगों ने ही उसे वायरल किया। वायरल करने के बाद भी अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के नियंत्रण में है, तो अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट के लोगों ने संविधान जलाने का ये जो काम किया गया, तो जलाने वाले लोगों को अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए था, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर किया जाना चाहिए था। सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है और बीजेपी ने उनको अरेस्ट नहीं किया, इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शह पर ये कार्य किया गया हो। ऐसा लगता है हम भारत के तमाम मूल निवासी बहुजनों को, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोगों को देश भर में अलग अलग जगहों पर इन लोगों के ऊपर एफआईआर दाखिल करने के लिए मेरा उन सभी लोगों को अनुरोध है और वो एफआईआर देशद्रोह के मुद्दे पर डाला जाना चाहिए। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं। पहली बार मराठा क्रांति मोर्चा के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के एट्रोसिटीज के मुद्दे को संघ के इशारे पर मराठा क्रांति मोर्चा में डाला गया था। इसके हमारे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठा हो गए हैं। इस बार मराठा क्रांति मोर्चा के नौजवानों ने मराठा समाज के आरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन को महाराष्ट्र भर में हमारा समर्थन हमने घोषित किया था। 9 तारीख को बंद के दौरान हमारे पास कुछ ऐसी जानकारी मिली है, उस जानकारी के आधार पर ऐसा कहा जा सकता है कि उस आंदोलन में, 9 तारीख के बंद में संघ को मानने वाले कुछ लोग सहभागी हुए थे। यह इस बात का सबूत है कि वो आरक्षण के साथ साथ समान सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड की भी मांग कर रहे थे। यह मांग मराठा लोगों की नहीं है, यह मांग आरएसएस की, विश्व हिंदू परिषद की है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि इनके आंदोलन में और बंद में इन लोगों ने घुसपैठ की है और इस घुसपैठ की वजह से ये आंदोलन पिछली बार भी दिशाभूल हो गया था, अब की बार भी ये दिशाभूल होने का खतरा पैदा हो गया है। इससे ये भी आशंका पैदा होती है कि महाराष्ट्र की सरकार चाहे कितने भी बार बार ये कहे फडणवीस कि मराठा लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, मगर जिस तरीके से फडणवीस महाराष्ट्र के ओबीसी को मराठा लोगों के विरोध में भड़काने का काम कर रहे हैं, उससे तो ऐसा नहीं लगता है कि वो मराठा लोगों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि ओबीसी को भड़काकर ओबीसी का बीजेपी के
19 के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाए और मराठा को आरक्षण भी ना दिया जाए, उस आरक्षण के मुद्दे को ऐसे रखा जाए और इसके बावजूद भी चुनाव जीतने का फार्मूला तैयार किया जाए, इस रणनीति पर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार काम कर रही है, ऐसा उसके हलचल से लगता है। और मराठा समाज के जो नौजवान हैं, वो नौजवान इन बातों की तरफ ध्यान देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। कुछ हद तक ऐसा भी लग रहा है कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन आंदोलन है। नेतृत्व विहीन आंदोलन होने की वजह से इसके सफल होने की संभावनाएं कम है। अगर ये नेतृत्व विहीन आंदोलन रहेगा तो बीजेपी वाले इसका फायदा उठाने में कामयाब हो सकते हैं। इस खतरे से मराठा जाति के लोगों को सतर्क होना चाहिए, मैं उनको यही अपील करना चाहता हूं। करुणानिधि तमिलनाडु के आजादी के पहले से जो द्रविड़ आंदोलन वहां चल रहा था पेरियार के द्वारा, उसी में से एक पॉलिटिकल आंदोलन शुरू हुआ डीएमके। और ये जो डीएमके आंदोलन शुरू हुआ था, ये डीएमके आंदोलन से ही निकले हुए नेता है। अन्नादुराई के बाद वे करुणानिधि ही शायद सबसे बड़े नेता है जो द्रविड़ आंदोलन से निकले थे। उनका मृत्यु हो गया और संभवतः तमिलनाडु के अंदर और देश के अंदर जो पिछड़े वर्ग का बहुत कद्दावर नेता होने की वजह से हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अपूरणीय क्षति हुई है। दूसरी बात एक और भी कही जा सकती है कि जो बड़े बड़े नेता थे जिनका संबंध, जैसे अन्नादुरई थे, जैसे करुणानिधि थे, जैसे एमजीआर थे और जयललिता थे, ये जो कद्दावर नेता इसमें से निकले थे, अब कोई भी नेता नहीं है, तो इसलिए इस आंदोलन का फ्यूचर आने वाले समय में क्या करवट लेता है इसके बारे में सोचना जरूरी होगा। वैसे करुणानिधि ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी जो उनका बेटा था स्टालिन, उसको इसके लिए नॉमिनेट किया है। अब आने वाले समय में उसकी परीक्षा होगी, इसी से बाद में पता चलेगा। इस मुद्दे पर इतना ही मैं कहना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में 7 अगस्त से हमारी बहुजन क्रांति मोर्चा की परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है। इस परिवर्तन यात्रा में मैं देख रहा हूं मुस्लिम लोगों का भी साथ सहयोग मिल रहा है, बैकवर्ड लोगों का भी साथ सहयोग मिल रहा है, आदिवासी लोगों का भी साथ सहयोग मिल रहा है, चड़ुलकाज के लोगों का भी साथ सहयोग मिल रहा है। तो ये जो परिवर्तन यात्रा हमने निकाली है और तमाम प्रकार के लोगों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें सफलता मिलती हुई दिख रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हम लोगों को सफलता ज़्यादा बड़े पैमाने पर मिलती हुई दिख रही है, ऐसा मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ।